दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। दैनिक सवेरा टाइम्स द्वारा चलाए गए सबदा अभियान के तहत गंगा सागर चैरिटेबल हेल्थ मिशन के संस्थापक डॉक्टर प्रशांत यादव राही व संस्था के इंटर स्टेट कोऑर्डिनेटर विपन बलाडिया अपने सभी साथियों सहित डिप्टी कमिश्नर रजत अग्रवाल को मिले। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत यादव राही ने बताया कि वे डिप्टी कमिश्नर रजत अग्रवाल से मिले और उन्हें घरों के हैंडपंप में से निकल रहा पानी दिखाया। उन्होंने डीसी को यह भी बताया कि ये पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। ने जो ये मुहिम सबदा अभियान छेड़ा है, इस मुहिम के तहत जो है पिछले लगभग दो ढाई महीने से लगभग ये खबरें पब्लिक तक पहुंच रही हैं। इसी कारण हमें पता लग पाया कि बुड्ढे नाले का पानी किस स्तर पर पहुंच चुका है और हमने बुड्ढे जो सबदा अभियान की खबरें जो दैनिक सवेरा द्वारा लगाई गई हैं इसकी एक कॉपी भी हमने डीसी साहब को दी, जिसमें कि उन्होंने पर्दाफाश किया है कि जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है और वो बिल्कुल सरासर झूठी है और इसी से पब्लिक को भी पता लगा कि ये झूठी रिपोर्ट है। अदरवाइज अगर ये सब ये दैनिक सवेरा इस तरीके की खबरें ना लगाता और इसकी कवरेज पैरवी और कवरेज ना करता तो पब्लिक को पता ही ना लग पाता कि ये क्या अंदर खाते के नगर निगम क्या करना चाह रहा है। हाँ जी, डीसी साहब ने साफ साफ वो तो एक तो बचाव की मुद्रा में भी थे और दूसरा थोड़ा एक्यूरेसी होना चाह रहे थे इस चीज़ को दबाने के लिए। हमने उनको ये बोतल ऑफर की थी कि ये जो पानी है ये वहाँ के हैंडपम्प पर निकल रहा है और ये समर्सिबल से वो पानी निकल रहा है और इसी को पी करके ये बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। तो जो अगर उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट सही है और ये स्थिति प्रदूषण की स्थिति काबू में है तो फिर जो जिन अधिकारियों ने बनाया है वो इसको पिए। उनसे यही बात की गई कि जो ये झूठी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं तो उसमें ये मसला इतना गंभीर है कि उसमें इस तरीके की रिपोर्टें भेज करके ये मामले को ठंडा करने की कोशिश है और पब्लिक के साथ धोखा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे ट्रीटमेंट प्लान काम कर रहे हैं और उसमें जो डिस्चार्ज पड़ रहा है वो इसके बाद सतलुज दरिया में जा रहा है, लेकिन ये इनके ट्रीटमेंट प्लान कोई काम नहीं कर रहे हैं और पानी वैसे ही जनता उसी तरीके का पानी पीने के लिए मजबूर है और इसी संबंध में हमने जो है उनको दिया और हमने ये पानी की बोतल भी उनको ऑफर की है। ये भूगर्भ जल है जो समर्सिबल से और हैंडपम्प से वहाँ की पब्लिक पीने के लिए यूज़ कर रही है और इसी में जो है वो सारा मसला है, जो कैंसर एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं जिससे महामारी फैलने की जो कि राजस्थान में भी ये परेशानी आई है कि उन्होंने वहाँ कैंसर के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, वही लुधियाना भी कैंसर का हब बनने जा रहा है।